तत्व तो हर गांव में होता है, उग्रवादी तत्व जैसे नारद मुनि होता है वही चीज है। ये चार पांच आदमी है जो इससे हर काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं आज इन्होंने सफाई करी और दूसरे दिन कहीं जाके वहां पे फोटो खींच के वीडियो डाल दिया, कमेंट करना, भद्दे कमेंट करना। पवन, मेरा नाम पवन कुमार है जी, गांव दुलेड़ी है। हमारा एक संस्था है युवा स्वच्छता जन सेवा समिति, जिसका पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता के जो हमने कार्य किए थे उसके बारे में हमारी प्रशंसा की थी। उसके बाद दोबारा भी मेट्रो में प्रधानमंत्री जी ने हमारा जिक्र किया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को गाँव दुलेड़ी में हमसे मिलने के लिए आए थे हमारी टीम से, और हमें दुलेड़ी मॉडल का नाम दिया और मुझे एज ए STF जो सैनिटेशन की टास्क फोर्स है उसमें मुझे मनोनीत किया है। आज समस्या क्या लेके आया? समस्या ये है जी हमारी डीसी ऑफिस में, हमारे गांव में पिछले हमने 4 साल से अभियान चला रहे हैं। गांव के 3-4 आपराधिक तत्व के आदमी हैं, एक सुरेश कुमार है, एक जितेंद्र पंच है, एक जयदेव कटारिया है, एक उसके भाई हैं। पिछले 4 साल से हम जो सफाई अभियान चला रहे हैं उसमें डंगा डाल रहे हैं। जहाँ भी आ जाओ, कहीं कुछ सफाई कर रहे हैं तो भैया तो पेड़ काट रहे हैं, उसकी वीडियो बनाने लग जाएंगे। भैया हम जिस तरह घास काटता है ये पेड़ काट रहे हैं भाई, थाना बुला लेंगे, मानसिक तौर पर आपको परेशान करें, बिल्कुल थाना आ जाएंगे, उनकी दरखास्त दे देंगे। ये करते करते हमने पिछले 4 साल हो गए हम सहन करते आ रहे हैं जी, लेकिन ये हद से भी पार हो गया। तो पार कैसे हो गया? प्रशासन हमारी तो सुनवाई कर नहीं रहा। हमने DC साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया, पत्र दिया, हमने SP साहब को भी दिया, हमने थाना तो साहब SHO को भी दिया, हमने SDM साहब को भी, पता नहीं कितने। ये देखो आपके सामने है, ये पूरा चिट्ठा है, पूरा चिट्ठा देखो आप, ये देखिए इसमें कागज देखो कितने, आप दिखाओ जी कितने कागज हैं जी, देखो ये सारे के सारे आप गिन लियो जी। ये इतनी बार हम DC साहब को SP साहब को दे चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह से हर बार DC साहब मार करके दे देते हैं SDM साहब को, SDM साहब मार करके SHO साहब को दे देते हैं, इसी तरह SP साहब ने भी मार करके SHO साहब को दे दिया। मतलब SHO साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे किसी भी तरह से। जिस प्रकार से मोदी जी आपका जिक्र करते हैं मन की बात में, मेट्रो में जिक्र करते हैं, तो जब एक तरफ तो सरकार आपका जिक्र करे ही और एक तरफ आपके गांव के लोग आपको दबाने का काम करे, तो कारण क्या मानते हैं? गांव के लोग नहीं, ये पूरा गांव मेरे साथ, आप देख सकते हो गांव के लोग कारण क्या है? मन की बात में आपका जिक्र हुआ है और ऊपर तो आपके होता है उग्रवादी तत्व जैसे नारद मुनि होता है वही चीज है। ये चार पांच आदमी है जो इससे हर काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं आज इन्होंने सफाई करी और दूसरे दिन कहीं जाके वहां पे फोटो खींच के वीडियो डाल दिया, कमेंट करना, भद्दे कमेंट करना कि ये लूट रहे हैं, ये अपनी सियासत चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? सुबह उठ के 5 बजे ये 50-60 लड़के गाँव की सफाई कर रहे हैं, ये तो इसमें क्या बुरा कर रहे हैं? ये घर से 3 ट्राली रोजाना गाँव से कूड़ा निकालते हैं ये लोग, जो कि घर घर आके, और कोई मर्जी से पैसा दे तो ठीक है, नहीं दे तो वो भी अब आजकल नहीं ले रहे, खुद अपना वहन करते हैं ये। तो ये है कि ये उग्रवादी जो एक किस्म का, उनको हम क्या कहें, क्या नाम दें? वो ऐसे तत्व है कि उनका काम ही सारा दिन ये है, कोई काम नहीं है कि काम में रोड़ा अटकाना, इनकी मतलब छवि को खराब करना, ये एक समस्या बनी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर ये गलत है प्रशासन पूरी इंक्वायरी करे, अगर ये गलत है तो इनको इनको सजा दो, और अगर ये ठीक है तो फिर ये रोड़ा जो अटकाने वाले आदमी हैं उनको मतलब बुला के उनको समझाया जाए या उनको दंडित किया जाए। जब गांव सारा राजी है तो वो उनको क्या तकलीफ है पूछा जाए, बस हमारा इतना ही कहना है। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? वो मैं बोलूं सरपंच रामेश्वर दास जी, गांव दुलेड़ी हम इस समस्या के लेकर आए हैं। जो ये 5-7 लोग है ये इन कमेटी वाला के ऊपर झूठे तो मुकदमे करवाओ से एडमिट हो जाए, झूठिया मदार कटवाओ से, लेकिन इसका निर्णय हम ही 2-3 बार तो गांव इकट्ठा करके भी ले लिया लेकिन वो फिर भी नहीं डट रहे। 2-3 बार SHO तो मिल लिए, SDM साहब तो मिल लिए, SP साहब तो मिल लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकलिया। आज पूरा गांव इकट्ठा हो गए इस बात के लिए आए से भाई कोई हल निकल जाए।
और कोई बोल रहा जी। मैं एक 80 ग्राम राम ने खूब खुशी से और अच्छा मान सम्मान से सरपंच बनवाया हूँ, लेकिन मैं इतना जानकार नहीं हूँ भाई, यो तो है भाई जानकारी है नहीं पूरी। मैं मदद लूँ मेम्बरा की, मेम्बर मेरे साथ हैं, जिस भी मेम्बर साथ दिखे ना उसके विरोध ही वो कानून कार्रवाई करवाने लग जाए भाई, इसकी इसने पंचायती जमींदार रखी है, इसका यो है उन मेम्बरा पर कार्रवाई, वो मेम्बर बेचारे उल्टे हट जाए हैं, मेरे काम में रुकावट लग रही सारी। तो आप मांग क्या करते हैं प्रशासन से? यह मांग है कि भाई मारे इन मेम्बर की नाजायज ना करी जाए। क्या नाम आपका? मैं करमवीर, पंच प्रतिनिधि गांव दुलेड़ी, ग्राम पंचायत दुलेड़ी। हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि हमारा जो गांव है आज के टाइम में ऑल इंडिया में सफाई के मामले में नंबर वन है। जितनी सफाई हमारे गांव में है वो शायद ही किसी गांव में आपको देखने को मिलेगी। हम जब भी कोई भी अधिकारी आता है या कोई भी चेकिंग के लिए वहाँ पर सफाई देखने के लिए जाते हैं, हम उनको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमारे गाँव में एक बिस्किट का खाली रैपर अगर आप उठा के ला दोगे तो हम आपको मान जाएंगे। मतलब इस तरीके से हम सफाई रखते हैं। दूसरा जो ये शरारती तत्व है, चार पांच लोग हमारे जो गांव में हैं, न तो वो समिति को काम करने दे रहे हैं, न ग्राम पंचायत को काम करने दे रहे हैं। जब भी हम सरपंच के साथ मिलके कोई भी काम करते हैं, चाहे हम एक रुपये का सामान लेके आए तो बोलते हैं कि ये एक रुपये का नहीं है तो 50 पैसे का, इसका पक्का बिल दो, ये दो वो दो। मतलब उनका काम है बीच में टांगबाजी उड़ाना। हम प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग करते हैं, या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या हमें उठा के अंदर डाल दिया जाए, समिति को और ग्राम पंचायत को, ताकि हम हमारे बीच में गांव में जो वाद विरोध बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े और गांव सत्यानाश होने से बच जाए। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। हम बार बार इस चीज़ को लेके SHO थाना तो सामने भी जा चुके हैं। अगर एक बंदा सरपंच को बंदी बना के बिठा लेते हैं और उसका प्रूफ हम SHO साहब को दिखा देते हैं और फिर भी SHO साहब ये कहता है कि ये तो कुछ भी मामला नहीं है, सिर्फ एक साथ ही क्या उनका केस कर सकते हैं, तो एक सरपंच को बंदी बना के बिठाना क्या छोटी बात है? मैं सिर्फ DC साहब से, SDM साहब से, SHO साहब से, SP साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो प्रूफ आज भी हमारे पास है, क्या वो एक मतलब सही चीज़ है? एक सरपंच को बंदी बनाना पूरे गाँव को बंदी बनाने के लायक है? अगर इतनी पावर सरपंच के पास नहीं है या ग्राम पंचायत के पास नहीं है, या फिर मोदी जी ने हमारे गाँव का नाम लिया मन की बात में सफाई के मामले में और दुलेड़ी मॉडल का नाम दिया, उसके ऊपर भी मतलब हमारा गांव का इतना हक भी नहीं बनता, तो फिर या तो समिति और ग्राम पंचायत को उठा के अंदर डाल दो या फिर जो आपराधिक तत्व है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और भर्ती हो गया जिस स्थल में और हमारा नाम लिखवा दिया और हम मौके पे है नहीं वहां पर। हमारा एक साथी तो जिसका नाम लिखवा है ना, वो बिडोला गांव के अंदर लेंटर लगवा रहा था। अब आप बताओ जी हाँ कितनी सच्चाई है। और हमें थाने में फोन आ गया, थाने में पेश हो जियो भाई, क्या तरीका है? और ऐसे तो साहब को मालूम है इस चीज़ का, भाई ये झूठी दरखास्त लगा रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो मांग बैठे थे उसके में उस चीज़ की कोई मांग सुनवाई नहीं। और हमारे ऊपर मतलब हमारा रूप ये रहेगा जी, हमें जिस हिसाब से और हिसाब से मांग हमारी, या तो उन अपराधियों को अंदर डालो, नहीं हमने अंदर डाल लो हमारा पीछा छूट गया। अब 4 साल कोई हद होती है जी किसी चीज़ की? 4 साल हो गए हमें लगातार कंटिन्यू गाँव के अंदर सेवा भाव करते हुए और हमें उसका नतीजा ये मिल रहा है, प्रशासन का भी हमें हमें कोई सहायता नहीं। जिस टीम का नाम प्रधानमंत्री जी ने ले दिया वो टीम आज दर दर की ठोकरे खा रही है। हमारी मांग ये है जी, जो अपराधिक तत्व है इनको अंदर डाल दो, बस मामला सारा सुलझ जाएगा। ये गांव इतना शांतिप्रिय गांव है, दुलेड़ी जो गांव है एक इतना आदर्श गांव है, आप देख सकते हैं मेरे साथ पूरी पंचायत है, पूरे गांव के मौजूद आदमी, पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे, पूरी टीम, कोई ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर से कोई आदमी मेरे साथ नहीं। अगर ये टीम गलत होती है और हम गलत होते तो हमारे साथ कोई भी नहीं आता। दखलंदाजी के चलते कितनी आपके अभियान को ठेस पहुंच रही है? ये इस गांव को अगर दखलंदाजी नहीं होती ना तो मैं आप दावा करता हूँ आज दुलेड़ी गांव को प्रधानमंत्री स्वयं, अभी तो नाम लिया हमारा, स्वयं देखने आते भी इस गांव में क्या कर दिया, लेकिन वो काम करने नहीं देते। आप दुलेड़ी गांव में जाके देखो, जो जिस जगह उन्होंने रुकावट डाल रखी ना वहाँ इतना गंद पड़ा है, वहाँ इतने मतलब धारी कटीले तार इतने उग गए जहाँ हमने मैदान निकाल दिया था बिल्कुल, और अब आज वहाँ पर इतनी गंदगी पैदा हो रही है, वहाँ से कौन लगाने दे, वहाँ सटे ले लिया उन्होंने, ये ऐसे गंदे काम करते हैं।
स्वच्छता अभियान को रोक लगाने की कोशिश है, पूरी कोशिश है जी। इस ये तो इतने, अब आप एक बार बताओ जी, झूठी है मलार को भाई हमारे खिलाफ।